हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजाज गुड लाइफ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको अपने चैनल में कुछ नया सिखाती हूँ, तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पालक पनीर। चलो आइए देखते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो पालक ली है। हम इसको उबाल देंगे। उबालने के बाद ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। उसके बाद हम उबली हुई पालक को ठंडे पानी में डालेंगे। और इसे ठंडा होने देंगे। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। ये फ्रेंड्स, मैंने इसको छान लिया है। अब मैं इस पालक के पत्तों को मिक्सी में ग्राइंड करूंगी। देखिए, पालक का पेस्ट तैयार है। अब हम इसे बाउल में डालेंगे। ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। नाइस पेस्ट, परफेक्ट। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल को हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम पनीर के टुकड़े टुकड़े काट देंगे। से मोटे स्लाइस में काटेंगे थोड़ा, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा दिखाई दे। देखिए, अब हमारा ऑयल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। और अदरक, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ब्राउन होने पर इसमें चॉप्ड अनियन डालेंगे। अनियन को हम थोड़ा पिंक होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये थोड़ा हल्का पिंक हो गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और इसे हल्का भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। रेड चिल्ली पाउडर, अच्छा हो जाए। इसको अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें पालक का पेस्ट डालेंगे। देखिए, ये अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें पालक का पेस्ट डाल देंगे। इसको अच्छे तरह से मिलाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें पनीर के स्लाइस डालेंगे। और इसे केयरफुली मिलाएंगे।
अब हम इसे फिनिश करेंगे क्रीम के साथ। इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा और हम इसे इसमें मिला देंगे। क्रीम को ज़्यादा पकाना नहीं है, जस्ट गर्म करना है। अब देखिए ये पूरी तरह से हमारा पालक पनीर तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्व करने के लिए बाउल में डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा पालक पनीर बिल्कुल तैयार है। दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसे बटर से गार्निश करेंगे और सेम क्रीम से भी इसे हम गार्निश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा पालक पनीर बिल्कुल तैयार है और आप भी इसे अपने घर में ट्राई कीजिए और कैसा बनाए आप हमें कमेंट में बताइए। और हाँ, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।